वेलकम टू अच्छे दिन। फ्लोरिडा यूनाइटेड स्टेट्स में आयोजित मिस यूनिवर्स 2020 कॉन्टेस्ट में दुनिया भर से 74 देशों की खूबसूरत महिलाओं ने भाग लिया, जहां ब्रुकली मिस यूनिवर्स 1997 एवं जुलेका रिवेरा मिस यूनिवर्स 2007 समेत 8 वर्ल्ड फेमस न्यायाधीशों के एक पैनल ने इंडिया की 23 वर्षीय मिस दिवा 2020 ब्यूटी पेजेंट एडलाइन क्रिस्टिलनो को थर्ड रनर अप कंटेस्टेंट के तौर पर सम्मानित किया, जो लारा दत्ता के बाद पिछले 20 साल में सर्वोच्च स्थान पर है, जिसने 2 दशक पुराने अकाल को खत्म किया है। इस वीडियो में हम आपको एडलाइन क्रिस्टिलनो के लाइफस्टाइल और करियर से जुड़ी 10 ऐसी खासियत बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, मगर उससे पहले चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहे। नंबर 1, कर्नाटका से बिलोंग करने वाली एडलाइन क्रिस्टिलनो एक ट्रेंड मॉडल है। बचपन से डांसिंग और मॉडलिंग का ड्रीम रखने वाली स्पोर्ट्स व बाइक राइडिंग की शौकीन क्रिस्टिलनो की फैमिली के मॉडलिंग इंडस्ट्री से कोई संबंध नहीं थे, मगर डांसिंग व ग्लैमर लाइफस्टाइल में रुचि होने की वजह से उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को मॉडलिंग में ट्रेंड किया, इसलिए टीनेज से मॉडलिंग क्रिस्टिलनो का ड्रीम बन गई। नंबर 2, बचपन से ही खूबसूरत 23 वर्षीय एडलाइन क्रिस्टिलनो का जन्म 24 जुलाई 1998 को कुवैत सिटी कुवैत के एक कर्नाटका बेस्ड क्रिश्चियन फैमिली में हुआ, जिनके फादर अल्फोंस क्रिस्टिलनो कुवैत में व्हाइट मार्बल के बिजनेसमैन, जबकि मदर मीरा क्रिस्टिलनो वर्किंग इन लॉजिस्टिक सेक्टर से फैमिली में अनिसिया और आंद्रिया की सिस्टर। एडलाइन बचपन से ही साइकिलिंग, डांसिंग व स्पोर्ट्स जैसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहती थी। नंबर 3, अपने फैमिली बिजनेस टाउन कुवैत से इनिशियली स्कूलिंग के बाद क्रिस्टिलनो 15 साल की उम्र में मुंबई आ गई और हायर स्कूलिंग एवं बिजनेस मैनेजमेंट ग्रेजुएशन के बाद अपने ड्रीम के चलते मॉडलिंग के लिए स्टार कर एक मॉडल के तौर पर 2018 में ऑनलाइन पेजेंट में पार्टिसिपेट कर मुंबई बेस्ड कोकोबेरी एकेडमी से ब्यूटी पेजेंट ट्रेनिंग स्टार्ट की, जहां उन्हें 2019 में मिस कोकोबेरी दिवा का ताज पहनाया गया, जिसके बाद क्रिस्टिलनो ने 2020 में मिस शमशेर व मिस दिवा अवार्ड में जीत दर्ज कर मिस दिवा यूनिवर्स के लिए शॉर्ट लिस्टेड की गई, जहां क्रिस्टिलनो ने इंडिया को रिप्रेजेंट कर थर्ड रनर अप पोजीशन के तौर पर वर्ल्ड वाइड हद पॉपुलरिटी गेन की, जो उनकी लाइफ का बिग ब्रेक साबित हुआ। नंबर 4, क्रिस्टिलनो को 2019 में म्यूजिक वीडियो तेरे बिना और रिसेंटली मेरे दिल बीच में आप सब ने उन्हें एक्टिंग करते हुए देखा। वीडियो में देखने के बाद से ही ऑडियंस द्वारा उनकी एक्टिंग, उनका स्टाइल, उनकी बॉडी लैंग्वेज को बेहद पसंद किया गया और फैंस को लगने लगा है मॉडलिंग के बाद उनका एक्टिंग करियर भी ब्राइट होने वाला है। नंबर 5, क्रिस्टिलनो अपना टेलीविजन डेब्यू मिस दिवा 2020 से करने के बाद लाइमलाइट में आई, मगर डॉक्यूमेंट्री सीरीज किंगफिशर कैलेंडर में बतौर मॉडल रोल करने के बाद से ही सभी जानते हैं उनकी पॉपुलरिटी कहां से कहां पहुंच गई। परिणाम स्वरूप वह फेमिना और डे मोड जैसी वेल रेपुटेटेड मैगजीन के कवर पेज पर भी जगह बनाने में कामयाब रही, जिसके बाद से ही उनका करियर राइज पर है। कहना गलत नहीं होगा कि वह थोड़े टाइम में बहुत पॉपुलर हो चुकी है, जिनकी डिमांड व फैन फॉलोइंग बढ़ती ही जा रही है। नंबर 6, क्रिस्टिलनो की फेवरेट मॉडल सुष्मिता सेन और लारा दत्ता रही है, जिन्हें वह ब्यूटी पेजेंट के तौर पर आइडियलाइज करती है। उनका मानना है कि सुष्मिता सेन और लारा दत्ता दोनों ही कंप्लीट ब्यूटी पेजेंट हैं, जो अब एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज बन चुकी है। क्रिस्टिलनो उन्हें तब से आइडियलाइज करती है जब वह खुद एक इंस्पायरिंग एंड राइजिंग मॉडल थी, इसलिए क्रिस्टिलनो उनकी जर्नी से बहुत कोरिलेट करती है। क्रिस्टिलनो को उनका एटीट्यूड और पर्सनैलिटी बहुत पसंद है और उनका कहना है कि सुष्मिता सेन और लारा दत्ता ने अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर इतना सब कुछ अचीव किया है, तो फिर मैं क्यों नहीं, जो मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। नंबर 7, मॉडलिंग के अलावा एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर उन्होंने फार्मर्स वेलफेयर के लिए भी काम किया और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन विकास सहयोग फाउंडेशन से भी अपने आप को कनेक्ट किया एवं चाइल्ड हेल्थ फाउंडेशन और एग्रीकल्चर रिसोर्सेज सेंटर्स जैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत छोटी उम्र में फंड कलेक्ट करने का काम किया, जो यंगस्टर्स के लिए किसी इंस्पायरिंग मोमेंट से कम नहीं। नंबर 8, क्रिस्टिलनो सोशल एक्टिविटी में बहुत एक्टिव है, जिन्होंने 2020 में कोरोना लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों के लिए डिजायर सोसाइटी एनजीओ के माध्यम से खाना, सैनिटाइजर और फेस मास्क प्रोवाइड करने का काम किया एवं सोशल एक्टिविटी के तौर पर उन्होंने फंड रिलीज भी किया, जो यंगस्टर्स के लिए बहुत छोटी उम्र में किसी प्रेरणा स्रोत से कम नहीं। नंबर 9, क्रिस्टिलनो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एवं वुमन एम्पावरमेंट को भी सपोर्ट करती है, जो काबिले तारीफ है। नंबर 10, एनिमल लवर क्रिस्टिलनो सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव है। उनका इंस्टाग्राम पेज शानदार पिक्चर से पूरी तरह फुलफिल है, लोग उनके खूबसूरत लुक के चलते उन्हें फॉलो करते हैं। क्रिस्टिलनो अक्सर पर्सनल लाइफ
लाइफ मॉडलिंग व एनिमल रिलेटेड अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती है जो उनके फैंस को अट्रैक्ट करता है, जहां उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती ही जा रही है। तो फ्रेंड इस तरह वीडियो का एंड हुआ। ऐसी और भी दिलचस्प व एंटरटेनिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए अच्छे दिन चैनल को, हर उस एंटरटेनिंग स्टोरी के लिए जो आप जानना चाहते हैं। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाली अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।